आज मैं बहुत ही यूनिक टिप्स लाए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके का जो टेप होता है तो हम जब निकालना चाहते हैं तो इतना ये चिपक जाता है कि समझ में नहीं आता है कि इसे किस तरह से हम निकालें। तो आज का ये किचन टिप्स इसी पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के पहले आप इसे पहले खोज लीजिए, और सेफ्टी पिन इस तरीके का तो हमारे घर में होता ही है, तो इसे आप निकाल कर थोड़ा और उसमें एकदम इसे इस तरीके से लगा दीजिए, और लगाने के बाद देखिए इस तरीके से लगा दीजिए, और उसके बाद इसे हम अच्छी तरीके से चिपका भी देंगे। तो जब हम लोग का ज़रूरत होगा तो केवल सेफ्टी पिन इस तरह से निकालिएगा और जितना ज़रूरत है उसे काट लीजिएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने समय को बचा सकते हैं। तो ये मेरी किचन टिप्स आपको कैसी लगी? अगर कि चाकू तो हमारे किचन में होता है और सब्जी काटते काटते चाकू का धार ख़त्म हो जाता है, तो इस तरीके के नमक का डब्बा ले लीजिए और उसमें 5 मिनट इस तरीके से आप रगड़कर इसे नमक में अच्छी तरीके से डालिए फ्रेंड्स। तो एकदम ये नई चाकू जैसी हो जाएगी, जिस तरह हम मिक्सर जार में डालते हैं नमक को और चला देते हैं तो उसका ब्लेड एकदम अच्छी तरह से एकदम हो जाता है। तो उसी तरह आप चाकू को नमक में डालिए और इसे अच्छी तरीके से 5 से 6 मिनट इसे कर दीजिए, तो एकदम ये अच्छी हो जाएगी और एकदम पहले से भी अच्छी धार बन जाएगी। तो एक बार इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइए। या मटर हम लाते हैं तो ये बरसात में बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और इसमें कीड़ा पड़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए, छोटा चम्मच से, आपका जितना है उतना मुताबिक डालकर, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से चने में कोट कर दीजिए, देखिए इस तरीके से, और उसके बाद आप इसे डब्बा में रखिएगा तो एकदम बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, देखिए इस तरीके से। तो आप छोला या मटर किसी में ये तेल लगा कर रखिएगा और सूखा डब्बा में रखिएगा फ्रेंड्स, अभी बरसात के समय में ये बिल्कुल ठीक रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए फ्रेंड्स। तो ये अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।